मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी और बीएसपी के कई बड़े नेताओं ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केंद्र का नया कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। बीजेपी के खिलाफ जो बोलता है उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। सरकार किसी को भी आतंकवादी बना सकती है। वहीं सुमैया राणा ने कहा, मुलायम सिंह की तरह अखिलेश यादव भी महिलाओं का सम्मान करते हैं। प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सपा सरकार आएगी तभी महिलाएं सुरक्षित होंगी। जिस पर योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया। मोहसिन रजा ने कहा कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति के चलते देश तोड़ने वाले और आतंकियों को महिमामंडित करने वाले राष्ट्र विरोधी लोगों को सम्मानित करते हैं और अपनी पार्टी में सदस्य बनाते हैं। साल 14 दिसंबर को जब सीएनआरसी की सुगबुगाहट हो रही थी, उस वक्त में माननीय श्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हम लोगों का सहयोग किया था, हमें मजबूती दी थी और इस बात का वादा किया था कि मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो एनपीआर के पेपर नहीं भरूंगा। उसी वक्त की बात में हमारे दिल को छू गई थी कि हम लोगों को तमाम मुकदमे हुए सीएनआरसी में, अखिलेश यादव जी ने, श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन मुकदमों में लोगों को छुड़ाया, मदद की, माली मदद की, वकील लगाए। तो मैं सुमैया राणा, क्योंकि मैं सीएनआरसी में यहाँ पर मैंने बहुत वक्त दिया, मैं मीट कर रही थी, तो ये मेरा अपना विवेक था कि मैं किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को साथ जाऊं और पार्टी को मजबूती दूं। जो मुझसे हो सकेगा वो मैं पार्टी के लिए करूं। आतंकियों को महिमा मंडित करने वाली समाजवादी पार्टी, देश विरोधियों को अपने यहाँ जगह देने वाली समाजवादी पार्टी, आज जिस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच पर एक राष्ट्र विरोधी शायर मुनव्वर राणा की बेटी को ज्वाइन कराया, जो अभी चंद दिन पहले तक देश में और उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर देश के कानून के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी, लोगों को बाकायदा उकसा रही थी, बवाल करा रही थी, पत्थरबाजियां करा रही थी, फिर साबित कर दिया पूरे मंच के ऊपर, सबको दिखा दिया, पूरे देश ने और प्रदेश ने देख लिया कि ऐसे लोगों की जगह समाजवादी पार्टी में है।